तो चार्जेस अब क्या लेना है आप समझ लो, पहले ही बता रहे हैं। नया नया न्यूज सुने हो? क्या न्यूज सुने हो? मोदी जी ने बैन कर दिया लैपटॉप, लैपटॉप का आयात बैन हो गया, टैबलेट का आयात बैन हो गया, जितने रिफर्बिश लैपटॉप थे सबके रेट 3-4 हज़ार 5 हज़ार बढ़ गए। नया लैपटॉप भी जल्दी अब मिलने वाला नहीं है, जितना स्टॉक है वो बिका, उसके बाद नया आएगा नहीं, समझ लो लैपटॉप की कितनी मारामारी होगी, है ना। रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छा है, नया लैपटॉप लेंगे नहीं, जिसके पास पुराना लैपटॉप है वो ख़राब होगा, उसी को रिपेयर कराएगा, रिपेयरिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, तो रिपेयरिंग की कॉस्ट बढ़ गई। के चलो, नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं आपके सामने एक लैपटॉप ओपन हुआ है। आप सबसे पहले इसका स्टेटस देख लीजिए, जो प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। प्रॉब्लम क्या थी भाई? नो चार्जिंग का प्रॉब्लम था। इंडिया के ही किसी एक महानगर से आया है, उस महानगर में जैसा कि कस्टमर ने बताया किसी को दिखा रखा था, नहीं हुआ है ना, तो कस्टमर ने अपने कस्टमर को बोला कि मैं अपने से सीनियर को भेज रहा हूँ, वहाँ हो जाएगा, तो हमारे पास आया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये चार्जिंग की प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उससे पहले कस्टमर को जितना देखना था, वो भी खुद रिपेयरर हैं, वो देख रखे थे, हमारे पास आया तो हमें भी लगा कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुलाया इसने, क्योंकि बैटरी चार्जिंग का जो केस होता है जल्दी कोई पकड़ता नहीं है। क्यों नहीं पकड़ता बोलो? बैटरी चार्जिंग का जो केस होता है जल्दी कोई ले नहीं लेता। क्यों नहीं लेता हाथ में? उसमें डिस्प्ले है तो डेट बिल्कुल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बोर्ड आपका ऑन है, डिस्प्ले है ना, रिस्क फैक्टर ज्यादा है, दिल धड़कता रहता है कि कहीं अगर डिस्प्ले चला गया कस्टमर तो हमारे पीछे ही पड़ जाएगा। सर मेरा ऑन था, डिस्प्ले था, समझ गए ना। तो चार्जिंग का केस में होता है, तो मार्केट में भी जनरली ये होता है कि चार्जिंग के केस में लोग बहुत ज़्यादा आरएनडी नहीं करते हैं, तो हमने इसमें किया, सारी आरएनडी करी, सब कुछ चार्जिंग का केस सॉल्व नहीं हुआ है ना। यहाँ तक कि हमें लगा कि बैटरी का इशू होगा, हमने बैटरी भी बदल के देख लिया, केस सॉल्व नहीं हुआ। हमें लगा कि शायद ओरिजिनल बैटरी लगाएंगे तो केस सॉल्व हो जाएगा। कस्टमर ने बताया कि हाँ जी, हमने पहले ओरिजिनल बैटरी लगा के देख लिया था, केस सॉल्व नहीं हुआ। कस्टमर थोड़ा रोने भी लगा, सर इज्जत का सवाल है, ये है वो है, फलाना ढमकाना जो भी होता है ना। हम बोले भाई रोने से क्या होगा, है क्या होगा, जो होना होगा वो तो होगा ही, अगर केस सॉल्व होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है, चार्जिंग के केस में हम करते क्या क्या हैं, बात वो आ जाती है ना। तो चार्जिंग के केस में बेसिकली हम लोग जो बताते हैं, आगे भी जो मैं आपको बताऊंगा, चार्जिंग के केस में हम बात करते हैं चार एरिया की, कि चार एरिया में वन बाय वन आप देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर होना है तो वहीं से हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चार एरिया कौन कौन से हैं, सबसे पहला हो गया विन का एरिया। विन का एरिया में आपको पता है एसी फेट आरबी फेट कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, सीएलआर वोल्टेज करेक्ट होना चाहिए, गेट बाइसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, विन का एरिया है ना। भिन के एरिया के बाद हमारा आ जाता है चार्जिंग आईसी का एरिया, तो चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी के सारी ओके होनी चाहिए है ना। तीसरा हमारा हो जाता है आयो चिप का एरिया। तो संयोग से हम हमारा डाउट एक बार आयो पे भी गया कि ये जो बोर्ड आपका चार्ज नहीं हो रहा है तो हो सकता है आयो की प्रॉब्लम हो। आयो था यानी KB9028, तो ये आयो हमारे पास था नहीं, कस्टमर को बोला हमने कि आयो है नहीं हमारे पास, मार्केट में भी एक बार पता किया है नहीं, फिर बोला मार्केट से लाएंगे लगाएंगे, मार्केट जाना आना लंबा काम हो जाता है, हमने मना कर दिया भाई हमारे पास आयो नहीं है। तो कस्टमर खुद ही अरेंज करवा दिया आयो है ना, 9028 आयो था यानी का 90 सीरीज जो होता है, कस्टमर ने खुद अरेंज करवा दिया, हमने आयो लगाया, अच्छी बात है कि बोर्ड ऑन डिस्प्ले आ रहा है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यहीं पर आ गया था, लेकिन फिर भी चार्जिंग होने को नहीं लिया है ना। तो आयो के एरिया में हमें जितना करना था सब करके देखा। अब क्या क्या करते हैं आयो चिप में वो आगे आपको क्लास में पता चलेगा। भिन के एरिया में क्या करते हैं वो आपको मैंने पहले ही समझा रखा है ना। तो ये दो एरिया हो गया। तीसरा एरिया किसका होता है? बैटरी कनेक्टर का एरिया।
बैटरी कनेक्टर के एरिया में भी हमने जितना नॉलेज था सब मार दिया है ना, वो एच डी एस सी एल जितना होता है पुल अप रजिस्टर्स वगैरह डायोड वगैरह सब करके दे दिया, केस सॉल्व नहीं हुआ, समझ गया ना। तो एक एरिया विन का, दूसरा आयोग का, तीसरा बैटरी कनेक्टर का, ठीक है ना, और चौथा एरिया किसका है, आईसी का, चार्जिंग आईसी का एरिया, मतलब चार्जिंग प्रॉब्लम को चार एरिया में डिवाइड करो और एरिया वाइज आप चेक करो, है ना। क्योंकि अगर हम बोले कि टोटल पॉइंट्स कितने होते हैं चेक पॉइंट्स, तो ये चार एरिया मिला के करीब करीब कितने पॉइंट्स आएंगे, 16 17 18 पॉइंट्स आ जाते हैं, इतना जगह चेक करना पड़ता है, है ना। तो यहां पर जो फॉल्ट मिला आपका बैटरी चार्जिंग एरिया का ही, चार्जिंग आईसी का जो एरिया था उसी का फॉल्ट मिला। फॉल्ट क्या था तो मैं फॉल्ट आपको दिखा रहा हूं, हो सकता आगे आपके भी काम आए, है ना। कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था, ये एक बेसिक्स था, लेकिन पता नहीं आप कह सकते हो दो दिन से ऐसा क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, आज प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब कभी किसी केस में फंसो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, ब्रेक नहीं लोगे तो दिक्कत है। अगर कंटिन्यू आपका, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया, कंटिन्यू कर रहे हो नहीं हुआ तो ब्रेक ले लो, ब्रेक ले करके उसको दूसरे तरीके से करो तो वो चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रेक लिया गया तो हो गया। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या निकली, ये आपके सामने देखो डायग्राम है, आप पहचानते हो क्या क्या पहचानते हो, तो आईसी कौन सी पहले देख लो, ये आईसी BQ737 है ना, हाँ जी BQ737, ये HP जो कोडिंग आता है BQ737 की आईसी है, और मॉडल कौन सा है, पार्ट नंबर देखो 178781D है ना, -1, ये आपका किसका है, HP का कोई X360 आता है उस मॉडल का है, ये स्केमेटिक में, स्केमेटिक भी शायद कहीं अवेलेबल नहीं है, पब्लिक नहीं है, ये स्केमेटिक पब्लिक नहीं है, पब्लिक होगा भी तो बहुत कम लोगों के पास होगा, हमारे पास अच्छी बात है कि डायग्राम था, है ना। और प्रॉब्लम्स क्या थी आप समझना, सबसे पहला जो आपका चार्जिंग आईसी के एरिया में, आप जो जो जानते हो, VCC जानते हो, ACDT जानते हो, चलिए SCL भी जानते ही होंगे, SDA भी जानते होंगे, ILM जानते हैं, पक्का, चलिए क्या, ये BM हैश जो होता है ये फॉल्ट वाला पिन होता है, ये कभी लो नहीं होना चाहिए, ये कभी भी लो ना होना चाहिए, अगर ये लो होता है तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं ये चार्जिंग आईसी शॉर्टिंग डिटेक्ट कर रहा है। SCOK हैश तो हर कोई जानता है, ग्राउंड तो बताने की जरूरत नहीं, आई आउट क्या हो गया, करंट की इन्फॉर्मेशन जो चार्जिंग आईसी देता है आयो चिप को, ठीक है ना। ACP ACN तो पता ही आपको क्या है, BST भी पता है, जो असली गेम चेंजर है वो कौन है, ये SRP और SRL, ये क्या है। तो जिस तरह हमारा एडाप्टर CLR की कनेक्टिविटी IC के पिन नंबर 1-2 से होती है, ठीक उसी तरह बैटरी CLR की भी कनेक्टिविटी अगर गौर से देखेंगे किससे होती है, इसी से होती है, IC से, SRP SRL, है ना, यही नाम भी है इसका, है ना। प्रॉब्लम यही था, प्रॉब्लम क्या था, ये रजिस्टर, छोटा सा रजिस्टर, दिक्कत यहां पर ये थी, रजिस्टर हमें फॉल्टी मिला था स्टार्टिंग में, फॉल्टी मिला था, हमने रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया, गलती एक ये हो गई, रजिस्टर को जो रिप्लेस किया हमने किसी स्क्रैप मदरबोर्ड से रिप्लेस किया, और जल्दबाजी में वो भी फॉल्टी था, तो हम पहले दूसरे दिन ये मान के चल रहे थे ये हमारा ओके, हमने कर लिया काम, हम यहां से निश्चिंत हो गए थे, आज जब नए तरीके से देखा गया तो पता चला कि ये 10 ओम नहीं बल्कि क्या बन चुका है, 10 किलो ओम। तो हमने इसको रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, लाओ बुक दिखाओ भाई, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपका सैंपल बुक है रजिस्टर का, जिसको भी मौका मिले तो ये रजिस्टर बुक परचेज कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से परचेज करना, मेरे पास है भी नहीं स्टॉक में, ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये परचेज करने से आपको बेनिफिट्स है, है ना। तो यहाँ से हमने 10 ओम का निकाल के यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया, 10 ओम का रजिस्टर हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, ये देखो ये 10 ओम का रजिस्टर रिप्लेस किया, केस सॉल्व हो गया, चार्जिंग डन, कस्टमर से चार्ज कितना लेंगे बोलो तो,
कितना लेना चाहिए भाई? ये रजिस्टर का चार्ज थोड़ी लेंगे कि 10 ओम का रजिस्टर आपका हमने बदल दिया तो 10 ओम के रजिस्टर के मुकाबले पैसा दो। दो दिन की मेहनत लगी भाई, टाइम का पैसा लेना चाहिए। पता चला कस्टमर ने किसी और को भी दे रखा था, वहाँ नहीं हुआ, दिल्ली भेजा, है ना, सीनियर बंदा कर देगा, कस्टमर की बेइज्जती हो रही थी कि उसका भी कस्टमर उसको बार बार फोन कर रहा था मेरा लैपटॉप हुआ कि नहीं, वो हमें फोन कर रहा था हुआ कि नहीं, है ना। तो आज फाइनली हो गया, तो चार्जेस अब क्या लेना है आप समझ लो, आप पहले ही बता रहे हैं। नया नया न्यूज सुने हो? क्या न्यूज सुने हो? मोदी जी ने बैन कर दिया लैपटॉप, लैपटॉप का आयात बैन हो गया, टैबलेट का आयात बैन हो गया, जितने रिफर्बिश लैपटॉप थे सबके रेट 3,000-5,000 बढ़ गए, नया लैपटॉप भी जल्दी अब मिलने वाला नहीं है, जितना स्टॉक है वो बिका, उसके बाद नया आएगा नहीं, समझ लो लैपटॉप की कितनी मारामारी होगी, है ना। रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छा है, नया लैपटॉप लेंगे नहीं, जिसके पास पुराना लैपटॉप है वो खराब होगा, उसी को रिपेयर कराएगा, रिपेयरिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, तो रिपेयरिंग की कॉस्ट बढ़ गई। अब मान के चलो इस तरह का जो केस है चार्जिंग का, है ना, हक से आप 3,000 से ऊपर मांगो कस्टमर से, है ना, कस्टमर से 3,000 से ऊपर मांगो, है ना। जब आप निकलोगे तो ये ध्यान रखना, चार्जिंग का केस है ना, 3,000 से ऊपर चार्ज लगेगा, करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो बाय बाय, अपना स्टैंडर्ड बना के रखोगे तो बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो केस बड़ा सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा। टाइम क्यों लगा? क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हमने, अपने सैंपल बुक का यूज नहीं किया, सैंपल बुक का यूज किया होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। और फिर क्या था ना, बहुत ज़्यादा करते करते फिर दोबारा ध्यान में नहीं दिया हमने इस पर, एक बार फिर से इस के ऊपर ध्यान दे देते तो केस सॉल्व हो जाता। हमने तो ग्राफिक्स कन्वर्जन तक करके देख लिया, और क्या क्या भाई, आयो बदल दिया, बायोस चिप बदल लिया, इसका एक एक चार्जिंग आईसी बदल डाली हमने, जहाँ भी हमको डाउट हुआ सीएलआर पे हमने काम कर लिया, इस कैपेसिटर पे काम कर लिया, जितना काम कर सकते थे सब किया, है ना। लेकिन केस सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा था, आज थोड़ा शुभ दिन था तो हो गया केस सॉल्व, है ना। तो समझ में आया, छोटा सा कंपोनेंट है ये एसआरपी के पाथ पे, और अक्सर ये फॉल्ट आता है, ये ध्यान रखना, अक्सर ये फॉल्ट आएगा एसआरपी और एसआरएन के पाथ में, लो वैल्यू का रजिस्टर होता है, और लो वैल्यू का रजिस्टर बड़ा खतरनाक होता है, हाई वैल्यू का रजिस्टर खतरनाक नहीं होता, लो वैल्यू का रजिस्टर खतरनाक होता है कि ये रजिस्टर की वैल्यू जब हाई हो गई तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही गलत मिलने लगा ना, करंट की इन्फॉर्मेशन ही गलत मिलने लग गई, तो क्या करता है ये, चार्जिंग बंद कर देता है, है ना। और बहुत कुछ था इसमें, कुछ स्पेशल भी था, हमने बताया भी ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें कि HDSCL के जरिए तो चार्जिंग का कमांड आ ही रहा है, प्लस इसमें चार्जिंग ऑन हैश का भी ऑप्शन है। कहाँ है भाई इसमें? ऊपर आयो चिप की तरफ से एक चार्जिंग ऑन का भी सिग्नल आ रहा है, देखते हैं कहाँ है, ये देख सकते हैं चार्जिंग ऑन हैश, इसका भी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो था पुराने बोर्ड में हुआ करता था, इसमें भी ये है, हमने इसको भी देखा, इसका क्या लॉजिक है, हमने इसको भी देखा, अपने तरफ से जितना था सब देख लिया, कर लिया। अब ये मान के चलो कि वापस दे ही देते, थक गए थे भाई, कितना करेंगे, अब ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती का एक चीज में लगे रहे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, नहीं हुआ, है ना, हमसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, कि दे देंगे, कोई और कर दे, अगर मान लो कोई और करता तो उसका क्रेडिट किसको जाता? अगर मान लो ये हमसे केस नहीं होता, हम किस दे देते कस्टमर को, वो किसी और को देता, उससे केस सॉल्व हो जाता, क्रेडिट किसको जाता? मुझे जाता क्रेडिट, कि मैंने इस लायक रखा इस बोर्ड को कि दूसरा कर पाए, बात समझना, और नहीं तो मुझे अगर बिगाड़ना होता तो ऐसा बिगाड़ देता कि कोई कर ही नहीं पाता। तो मार्केट में यही टेंडेंसी चलता है, मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, लेकिन हमारी क्या है फलसफी, ये नहीं है, नहीं हुआ कोई बुराई नहीं है, नहीं हुआ, नहीं होने के बहुत सारे कारण है, आपके पास टाइम नहीं था, आपके पास रिसोर्सेस नहीं था, बहुत सारे, नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता ना, है ना, बहुत सारे कारण, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जैसा था वैसा रिटर्न कर दो, अपनी तरफ से कोई फालतू का आरएनडी मत करो कि फिर किसी से ना हो, तो उसका क्रेडिट हमें भी जाता है,
तो आप लोग सीख रहे हो तो ये सबक याद रखिएगा, ठीक है ना। नमस्कार।